इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह सैमसंग GTE 1207T मोबाइल में किस तरह कीपैड ऑटोलॉक ऑन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल ऑटोमेटिक लॉक हो जाए जब आप मोबाइल का यूज़ ना कर रहे हो, तो आप किस तरह कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। दोस्तों, अभी आपके मोबाइल में कीपैड ऑटोलॉक ऑन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिक लॉक नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं ये लॉक नहीं हो रहा है, जस्ट इसका लाइट बंद हो रहा है। तो आप किस तरह से कीपैड ऑटोलॉक ऑन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आपको इसके लिए सबसे पहले मेनू में जाना है, और उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन में जाना है, और यहाँ पर आपको कीपैड ऑटोलॉक दिखाई देगा, इसमें जाना है, और यहाँ से आप इसे ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कीपैड ऑटोलॉक को ऑन कर सकते हैं। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि कुछ सेकंड के बाद आपका मोबाइल ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, आपको लॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सेकंड के बाद ही वो कीपैड ऑटोलॉक हो जाएगा, जब तक हम वेट करते हैं। तो दोस्तों, ये ऑटोमेटिक लॉक हो गया है। तो इस तरह से आप कीपैड ऑटोलॉक ऑन कर सकते हैं सैमसंग GTE 1207T मोबाइल में।